हेलो गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप डिस्कस करिए इसके बारे में। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस जिसके अंदर सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट में से, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। इसकी मैंने अलग से ही आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो वो भी ज़रूर खरीदना। जामिया के हम अवेलेबल करवाते हैं www.lawgiri.in पर, ठीक है ना। लास्ट ईयर जितने भी बच्चों ने हमारे मॉक टेस्ट लिए थे उनको पता है वैल्यू क्या है, उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किए हुए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक दे दूंगी मैं उस शॉट्स का, ठीक है। तो जामिया इस्लामिया के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पर आज। व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस, सो दैट आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर पाएँ कि यार पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, अब बहुत लेट हो गया है या फिर अभी टाइम है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फीस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, ये सब हम जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एग्जाम आपका होता है ना वो मई के मंथ में होता है, तो ठीक है। ये लास्ट ईयर की डेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब लास्ट ईयर 2023 की। 2020 जो आगे वाले एग्जाम्स हैं उसके अंदर आपका मई के अंदर आप लगा के रखिए कि आपका मई के अंदर एग्जाम होगा, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th के अंदर आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे जिस साल में हम बोर्ड एग्जाम है उस साल में हम दे सकते हैं, रिजल्ट नहीं आया होगा ये वो। यस, आप बिल्कुल दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनका 12th का रिजल्ट अवेटेड होता है, जो ये एग्जाम देते हैं। जब तक एडमिशन का टाइम आता है आपके बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है। आपने पिछले साल एग्जाम दिया था बोर्ड का, तब आप दे सकते हो अगले साल। यस, बिल्कुल दे सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पर BA LLB के अंदर एक तो हैं 60 सीट्स हैं, जिनकी फ़ीस जो है वो है ₹10,400 पर ईयर, ठीक है। इनकी फ़ीस कम है। और एक है 60 सीट्स और जिनके अंदर जो फ़ीस है वो ₹40,500 है, जो सेल्फ फाइनेंस्ड है, ठीक है ना। तो 120 टोटल सीट्स हैं, बट फ़ीस का जो है वो डिफरेंस ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लीगल, लैंग्वेज, इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ये आपका जामिया का, JMI का, यहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, मैंने उसके लिए अलग वीडियो करी हुई है। गाइस, स्टार्ट फॉलोइंग एजुगिरी का जो एनालिसिस होता है न्यूज़पेपर का। डेली एडुगिरी यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी क्लास लेती हूँ, एनालिसिस लेती हूँ। अगर आप वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ lawgiri.in पर जो लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनको बाय करके ज़रूर देखें। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जामिया के एग्ज़ाम में, ठीक है। द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स आपके पेपर में आती हैं। लीगल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ये आपका एग्ज़ाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स दिए जाते हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, +1 फॉर करेक्ट आंसर, 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग अटैम्प्ट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। मॉक टेस्ट एग्जाम के जब पास आ जाता है एग्जाम तब हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए मॉक टेस्ट तो आप कमेंट कर सकते हैं, lawgiri.in पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फील दी जाएगी। तो गाइस ज़रूर फॉलो करें लॉगिरी यूट्यूब चैनल को, lawgiri.in पर भी ज़रूर साइन अप करें, ठीक है। वहाँ पर Q&A सेशंस हम लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रॉमिस करिए कि आप ये वाली वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया एनी टाइम फ्रॉम ज़ीरो। वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है, और अगर आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जामिया में एडमिशन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इतनी सही स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी हुई है, तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। एंड उससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैसा है, कैसे तैयारी करनी है, तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसे ही अपडेट्स आएंगे जामिया को लेकर मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगी, हमेशा अपडेट करूँगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, हमेशा से करती आई हूँ, अभी भी आपका ज़रूर मैं देती रहूँगी। आपको टाइम टेबल चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बताइए कॉमेंट्स के अंदर, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। That's it. Loggiri signing off.